हार के बाद रो रही थी भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। बाटा खिलाड़ियों का दुख देखकर ये नजारा पूरा भारत कर रहा है प्रधानमंत्री पर गर्व। मोहम्मद शमी को गले लगा लिया, रोहित विराट को ऐसा प्यार से समझाया कि उनके मुरझाए चेहरे भी खिल गए। देश के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचना भी कम नहीं, लगातार 10 मैच जीतकर वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करना अद्भुत। नाज है भारतीय टीम पर। वर्ल्ड कप का फाइनल हारने के बाद भी विराट कोहली और मोहम्मद शमी ने वो कारनामा कर दिया जो नहीं कर पाए कंगारू। हार कर भी इतिहास रच दिए ये भारतीय खिलाड़ी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपको सर झुकाने की आवश्यकता नहीं, फक्र कर रहा है आप पर पूरा भारत। वर्ल्ड कप फाइनल हारने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रोहित शर्मा और विराट कोहली से मुलाकात की। प्रधानमंत्री सीधे ड्रेसिंग रूम पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप दोनों की वजह से भारत को फाइनल में जगह मिली, आपको सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं, पूरा भारत आपके साथ है। हमें भरोसा है कि आज हार मिली है तो कल जीत भी हमारे ही हिस्से आएगी। वर्ल्ड कप हारने के बाद भारतीय खिलाड़ी बुरी तरीके से टूट गए थे। रोहित शर्मा मैदान पर रोते हुए नजर आ रहे थे तो विराट कोहली टोपी के सहारे अपने आंसू छिपा रहे थे। भारतीय क्रिकेट के दो सबसे बड़े सितारे को इस तरह देखना करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को नागवार गुजर रहा था। 765 रन के साथ विराट कोहली वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर रहे तो वहीं 597 रन के साथ रोहित शर्मा वर्ल्ड कप के दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज। ऐसा मुश्किल वक्त में भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों खिलाड़ियों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आप दोनों के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत भारतीय टीम को फाइनल में जगह मिली, आगे भी आप दोनों ही भारत की ट्रॉफी जिताएंगे और ऐसे में आपको निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, पूरे भारत को आप पर गर्व है। प्रधानमंत्री मोदी ने मोहम्मद शमी को गले लगाकर वर्ल्ड कप हारने का दर्द बांटा। मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप फाइनल गंवाने के बाद खुद पर काबू नहीं रख सके। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक 24 विकेट छटकाने वाले मोहम्मद शमी के दर्द आंखों के रास्ते आंसू बनकर निकल रहे थे। मोहम्मद शमी पर उनकी बीवी हसीन जहां लगातार घटिया आरोप लगा रही थी। हर दिन कोई ना कोई न्यूज वाला वर्ल्ड कप के बीच उनके पास माइक लेकर पहुंच जाता था। इस दबाव में भी मोहम्मद शमी ने देश की खातिर सब कुछ किया। फाइनल में मोहम्मद शमी ने डेविड वार्नर को फर्स्ट स्लिप में विराट कोहली के हाथों कैच करवाते हुए भारत को पहली सफलता दिलाई थी। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने 241 रन का टारगेट 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। वर्ल्ड कप फाइनल खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम पहुंचे थे। वहीं पर बोले, मोहम्मद शमी को बेहतरीन गेंदबाजी के लिए बावजूद वर्ल्ड कप ना जीत पाने पर सांत्वना दी। हमें मेंशन कर इस तस्वीर पर अपनी राय दीजिए और बताइए कि किस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से भारतीय टीम का हौसला अफजाई किया है, इस पर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, बने रहें जेटी न्यूज के साथ। लेकिन अगर एक खबर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें।